हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज यहाँ आपके सामने है टाटा पंच प्योर मॉडल। आप देख सकते हो ये गाड़ी जो है, मैं एक नॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं बता रहा, मैं खुद एक ओनरशिप एक्सपीरियंस दूंगा आपको। वो भी मैं चाहता तो पहले ही वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा खुद मैं गाड़ी को चलाऊँ, ट्राई करूँ। टेस्ट राइड तो सब करते हैं, तो उसके बाद पता नहीं चलता, खुद थोड़ा किलोमीटर चलाऊँ फिर देखूँगा। तो अभी मेरी गाड़ी 300 किलोमीटर के अराउंड चल चुकी है। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ बताऊँ इस गाड़ी के बारे में, कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं। तो ये है टाटा पंच का प्योर मॉडल, जो मुझे पड़ी 6,06,000 ऑन रोड की, 5,49,000 एक शोरूम। इसकी बुकिंग बहुत तगड़ी चल रही है, प्योर मॉडल मिलने को है नहीं। तो ये वाइट कलर में है, तो आप देख सकते हो इसमें जो आपको टायर दिख रहे हैं, इसके जो व्हील कैप है ये मैंने बाहर से लगवाया है। इसके अलावा इसमें कोई काम नहीं हो रखा, इसको आप इग्नोर करिए। इसमें हाफ कैप मिलते हैं आपको कंपनी की तरफ से, वरना ये गाड़ी ऐसी होती है बिल्कुल प्योर मॉडल लग रही होगी आपको बाहर से, क्योंकि ब्लैक ORVM वगैरह है इसमें। तो आप देख सकते हो फ्रंट में, इसमें अगर फ्रंट से हम शुरू करें तो फ्रंट में इसमें टाटा की बैजिंग मिलती है। सेकेंड मॉडल में भी ऐसी ही है, दिखने में सामने से बिल्कुल सेम है आपको। थर्ड मॉडल से क्रोम लाइनिंग मिलती है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे आपको मिलेगी ब्लैक, लेकिन पियानो ब्लैक में मिलेगी आपको। ये फ्रंट में हैलोजन सेटअप है, आगे एक DRL टाइप देने की कोशिश करी है, जैसे हैरियर वाला लुक है, लेकिन ये हैलोजन है। नीचे भी एक हैलोजन है, और नीचे फॉग लाइट का एक यूनिट है, लेकिन फॉग लाइट नहीं मिलता, आप बाहर से लगवा सकते हो। आगे नंबर प्लेट है, वो मैंने हाइड किया हुआ है, और ये दिखती है गाड़ी आगे से, आप देख सकते हो। एकदम बढ़िया लगती है गाड़ी की लुक जो है, काफ़ी एक बोल्ड लुक है, एक स्टाइलिश लुक है, एक SUV लुक है। आप पहचान नहीं पाओगे शुरुआत में, आगे देखें कि हैरियर है या पंच। बस इसमें ग्रिल थोड़ा सा नेक्सन टाइप देने की कोशिश करिए। यहाँ पे हॉर्न के लिए एक ट्राई एरो डिज़ाइन का यूनिट है, इसमें बहुत ट्राई एरो डिज़ाइन है, इसमें मेनली ट्राई एरो ही डिज़ाइन दिया गया है। तो इसमें जो है ब्लैक क्लैडिंग जो है बम्पर से लेके ये चालू रहती है पूरे एंड तक, पीछे की तरफ तक यहाँ पे वो क्लैडिंग मिलती है, डोर के नीचे भी क्लैडिंग मिलती है, और ये चलता रहता है पीछे के बम्पर तक। तो ऐसी दिखती है आपकी गाड़ी। पीछे से आप बात करोगे तो टाटा की लोगो मिलती है सेंटर पे। लाइट जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, दिखने में सही लगते हैं। छोटी लाइट है, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है टाटा पंच में। बोल्ड लुक है पीछे से भी, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसी ज़बरदस्ती कोई चीज़ डाल दी गाड़ी में। हर चीज़ का जो है अच्छे से R&D करके गाड़ी बनाई गई है, पूरे अच्छे से समझ आ रहा है कि गाड़ी की लुक जो है वो इन्हेंस हो रही है। नीचे पंच की बैजिंग है। राइट साइड से देखें तो यहाँ पे आपको साइड में एक क्लैडिंग मिलती है। जो हैंडल्स है वो बेस मॉडल में ब्लैक आते हैं, जैसे आप देख सकते हो। ORVM जो है वो भी ब्लैक आते हैं, और जो टायर है वो है 185/10R15, तो 15 इंची मिलती है आपको टायर्स। और इसमें जो व्हील कैप है वो मैंने बाहर से लगवाया, इसमें सिर्फ आपको ब्लैक पेंटेड जो है नॉर्मल व्हील्स मिलेंगे, जिसमें एक हाफ कैप दिया जाता है। तो आप देख सकते हो, आप चलते हैं इसकी गाड़ी की तरफ। तो गाड़ी के तो अब आगे बढ़ते, इस हमने बाहर से देख लिया इस गाड़ी को, तो अब फर्दर मैं आपको बताता हूँ उसके फीचर्स के बारे में। तो ये बेस मॉडल है, आपको बेस मॉडल बताता हूँ। आपको बेसिक जो है डोर हैंडल मिलते हैं ब्लैक फिनिश में, बाहर से आप इसको पेंट करा सकते हो। ये भी ब्लैक है कोई, लेकिन इसमें पियानो फिनिश वगैरह नहीं है, नॉर्मल प्लास्टिक ब्लैक है। अगर फर्दर हम डिक्की की तरफ जाए तो डिक्की में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। लाइट्स है, इसमें कॉस्ट कटिंग नहीं की गई, और अच्छी खासी इसमें डैम्पिंग दे रखी है उन्होंने, तो इसमें भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। एक ऐसा हैंडल है जो कि काफ़ी एक अच्छी फिनिश दे रही है इस गाड़ी को। फर्दर आपको इसमें कोई वो नहीं देखने को मिलता, कोई ट्रे नहीं है इसमें, वो आपको सेकेंड मॉडल से देखने को मिलेगा। बूट स्पेस जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, इसमें एक टायर किट दिया जाता है, टायर पंचर किट। और फर्दर इसकी हम बात करें तो इसमें जो व्हील है, जो स्पेयर व्हील है, वो भी 185 सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आती है, 15 इंच ही आता है इसमें। तो ये भी अच्छी बात है कि हर एक कंपनी एक साइज़ छोटी दिया देती है, लेकिन इसमें भी कॉस्ट कटिंग नहीं की टाटा ने। तो फर्दर इसमें रूफ एंटीना नहीं आता, क्योंकि बेस मॉडल है। इसमें अगर रिदम पैक लोगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको 35,000 ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो ऐसा दिखता है कुछ अंदर से, इसके जो डोर हैंडल्स है वो ऐसे दिखते हैं। इसमें वाइट कलर का रबराइज मटेरियल दिया गया है, और इसमें आगे दो पावर विंडो हैं, पीछे जो है नॉर्मल घुमाने वाला पुराने टाइप का विंडो है। इसके जो हैंडल है वो थोड़े से पियानो फिनिश में आते हैं, तो काफ़ी एक अच्छी लुक देते हैं। इसी से ये डोर जो है ऑटो लॉक और अनलॉक होता है। यहाँ पे ट्विटर का एक प्लेसमेंट के लिए यूनिट दिया गया है, नीचे स्पीकर के लिए दिया गया है, और इसमें और कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर आप इसके ऊपर के मॉडल में जाओगे तो आपको बाहर की जो विंडोज़ है वो भी एडजस्टेबल मिल जाएंगे। इसमें तो आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा, ना कोई नॉब दे रखा है यहाँ पे।
तो फट देना हम आगे अंदर बैठते हैं गाड़ी के अंदर, तो ऐसे आपको दिखा दूँ एक बार। तो सीट ऐसे लगते हैं कुछ, बिल्कुल नई गाड़ी है अभी, थोड़ी 300 किलोमीटर चला ली है लेकिन मैंने। तो इसकी कीज़ जो है थोड़े ऐसे आपको दिखा दूँ, इसमें कोई सेंट्रल लॉकिंग फ्लिप की या सेंट्रल लॉकिंग आता है वन डोर, जो आपको चाबी घुमा के करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल ऐसी चाबी है, बेसिक चाबी दिखती है आपको इसमें। तो आप बाहर से करवा सकते हो सारा काम इसमें। तो फर्दर हम अंदर बैठेंगे तो ऐसी दिखती है गाड़ी आपको। आगे यहाँ पे ऐसे हॉर्न मिलता है, हॉर्न जो है बहुत बेसिक है, वो भी आपको बाहर से चाहे तो लगवा सकते हो। कोई स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं मिलता इसके ऊपर के मॉडल में, आपको स्टीयरिंग कंट्रोल दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसा दिखता है, इसमें दोनों साइड डिजिटल है, दोनों साइड एनालॉग है, और बीच में एक डिजिटल यूनिट दिया गया है नॉर्मल। तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, एवरेज मुझे अभी तो 11.1 के अराउंड दिखा रहा है ओडोमीटर पे। 295 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं इस गाड़ी को। तो अगर आप देख सकते हो डैशबोर्ड की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मुझे इस प्राइस रेंज में जो गाड़ियाँ आती है उसे बेटर लगी। जो इसके जो एयर यूनिट है, जो इसके एसी का यूनिट है, उसमें एक पियानो ब्लैक फ्रेम मिला गया है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे इसका जो है पार्किंग लाइट है, ऑन करने का स्विच है। इसमें तीन बेसिकली चार टाइप के एकदम डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन दे रखे डैशबोर्ड में, जो आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट, यहाँ पे अलग टाइप का, यहाँ पे अलग टाइप का। यहाँ पे आप बाहर से सीट उठा सकते हो, स्क्रीन फ्रेम चेंज हो जाता है, बाहर फ्रेम मिल जाता है। ऐसा दिखता है इसका कुछ ग्लव बॉक्स, आप देख सकते हो काफ़ी डीप है, काफ़ी अच्छा है, इग्नोर करे सामान जो अंदर है, तो ऐसे बंद होता है। इसका एसी जो है मैनुअल है, लेकिन काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में बनाया गया है, तो इसमें थोड़ा ऑटोमेटिक टाइप लुक आता है। जैसे आप देख सकते हो इससे आप कूलिंग वाटर एडजस्ट कर सकते हो, इससे फ़ैन की जो स्पीड बढ़ा सकते हो, ऑफ कर सकते हो, सब कर सकते हो। ऐसा देखते हैं सर गियर नॉब, गियर नॉब बिल्कुल बेसिक है इसके अंदर, कुछ इसके ऊपर कोई क्रोम व्रोम कोई फिनिश नहीं है। तो ऐसी दिखती है गाड़ी, इसमें जो अंदर सामान रखा है वो मैं गाड़ी थोड़ा टाइम यूज़ करा है इसलिए ऐसा, आप थोड़ा इसको इग्नोर करें। और ऐसा दिखता है इसका जो है हैंड ब्रेक जो है, सीट भी काफ़ी, सीट की कुशन भी काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा लगता है, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा मुझे वैसे। और बाकी आप देख सकते हो जो इनसाइड रियरव्यू मिरर है वो काफ़ी छोटा है, इसको भी चेंज कराना पड़ेगा। जो लाइट है वो कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छी लाइट है। ये नॉर्मल मिलता है आपको दोनों साइड, कोई मिरर या लाइट कुछ नहीं मिलता आपको इसमें दोनों साइड में। तीनों साइड आपको हैंडल मिलते हैं ऐसे, ड्राइवर साइड नहीं मिलता। और जो बॉटल होल्डर है वो भी आपको दिखा दिया है, 1 लीटर का बॉटल आराम से आ जाता है इसके अंदर। तो ऐसा दिखता है, इसमें दो एयरबैग आते हैं, एक यहाँ पे और एक पैसेंजर साइड में। तो दो एयरबैग आते हैं इसमें। और इसमें जो है मोड चेंज कर सकते हो आप यहाँ से, इसमें सिटी मोड भी आता है और इको मोड भी आता है। और इससे जो है आप जब गाड़ी चलाओगे और आप रेड लाइट पे खड़े होगे तो गाड़ी खुद बंद हो जाएगी, जैसे आप गियर न्यूट्रल पे डाल के क्लच और ब्रेक छोड़ दोगे तो, और खुद ही स्टार्ट हो जाएगी जब आप क्लच दबाओगे तो। तो कुछ ऐसा इसका ऑप्शन है, आप देख सकते हो। जैसे मैं सिटी मोड पे अभी, तो मैं इको में आ गया अभी। तो मैंने ओवरऑल इसको गाड़ी को दोनों मोड में चलाया है, सिटी और इको दोनों ही मोड में। मुझे एवरेज जो है वो अभी शुरुआत में तो कमी देखने को मिली है, तो ऑब्वियसली कमी मिलती है, सर्विस के बाद बढ़ जाएगी ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद चाहे आप पीछे देख सकते हो, पीछे कुछ ऐसा है सीट, अगर आप पीछे से देखो जो लेग स्पेस है वो भी काफ़ी सही है। आपको पीछे भी जो डोर हैंडल है वो थोड़ा पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है, लेकिन जो विंडो है वो नॉर्मल आपको घुमाने वाला विंडो मिलता है। मैं आपको पीछे के सीट पे बैठ के दिखाता हूँ कि कैसी है ये गाड़ी। तो पीछे से गाड़ी की डिज़ाइन कुछ ऐसी दिखती है, आप देख सकते हो काफ़ी एक अच्छी डिज़ाइन है, टाटा ने बहुत एक डिफरेंट डिज़ाइन दे दिया पंच के थ्रू इस गाड़ी में। तो आप देख सकते हो इसमें एक पियानो ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल मिलता है, और जो विंडो है बिल्कुल मैनुअल विंडो है घुमाने वाला, यहाँ पे आप लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट पावर विंडो। तो ऐसी लगती है गाड़ी पीछे से भी। और अगर मैं आपको लेग स्पेस की बात करूँ तो मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है, तो मुझे इनफ, मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से मुझे इनफ जो है लेग स्पेस मिल रही है और इनफ मुझे हेड स्पेस मिल रहा है। तो अगर मैं इसके ड्राइविंग के बात करूँ तो इसके जो ड्राइविंग है उसमें पिकअप आपको पता है इसमें 1.2 लीटर का एक, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इंजन यूनिट भी। तो कुछ ऐसा दिखता है इसका इंजन हुड, आप देख सकते हो 1.2 लीटर का जो इंजन है, जो टियागो टिगोर में सब मिलता है, उसी को टाटा ने इसी में भी दिया गया है। अल्ट्रोज में भी ये इंजन
दिया गया है, तो टाटा की जो इंजन है वो ऐसी कुछ दिखती है। अगर ये मैं बात करूँ तो ऑन पेपर तो ये अच्छे खासी जो है इस प्राइस रेंज में टक्कर देती है बाकी गाड़ियों को, और चलाने की अगर फील की बात करूँ तो थोड़ा जो है पिकअप, इनिशियल पिकअप आपको कम महसूस ज़रूर होता है, लेकिन इस प्राइस रेंज में इस गाड़ी से आप इसकी अभी शिकायत तो नहीं कर सकते। कि ऑटोमेटिक में आपको ज़रूर थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि AMT दिया गया है इस गाड़ी में, लेकिन मैनुअल में आप फिर भी मैनेज कर लोगे। ठीक ठाक ये इंजन है इसका, अच्छा खासा है। अगर एवरेज मुझे देखता हूँ मैं फर्स्ट सर्विस के बाद, अगर बेटर देखने को मिलती है तो फिर ऑब्वियसली इंजन के साथ मुझे कोई शिकायत रहनी चाहिए। कई बार थोड़ी थोड़ी पिकअप लॉस महसूस होती है, लेकिन वो भी बहुत कम होती है, बाकी टाइम मैं मैनेज कर लेता हूँ। 1.2 लीटर इंजन के साथ आप ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते कि वो आपको और ज़्यादा पिकअप दे। जितनी एक 1.2 लीटर इंजन देती है उतनी आपको ये गाड़ी भी दे रही है। तो बेसिकली चलाने में काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी। इसकी जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छे से टाटा ने दिया गया है, काफ़ी एक जो छोटे मोटे पॉट होल्स वगैरह वो फील ही नहीं होते इसमें चलाते हुए। सस्पेंशन की बात करूँगा तो मैं सही में बता रहा हूँ इसमें बहुत अच्छा सस्पेंशन दिया गया है। आल्ट्रोस के मुकाबले मुझे काफ़ी अच्छा एक सस्पेंशन लगा। मुझे सस्पेंशन इसका बहुत ही कंफर्टेबल है, और इसमें जो राइडिंग, जो ट्रैवलिंग पोजीशन है और राइडिंग है, बैठने का थोड़ा हमें SUV में बैठे ऐसा फील आता है, और ऊपर से चलाने में भी अच्छा खासा लगता है। तो ओवरऑल बात करूँ, गाड़ी के अंदर आगे बात करते हैं, बाहर आपको नॉइस ना आए। तो ओवरऑल बात करूँ इस गाड़ी से, जो गाड़ी में जो ट्रैवलिंग करते हुए जो कंफर्ट एंड फील है वो काफ़ी अच्छा है। छोटे मोटे पॉट होल्स में फील नहीं होते, बिल्कुल एक अच्छे कंफर्टेबल तुम्हारी राइड होगी अगर तुम कहीं दूर और जाओगे अपने फैमिली के साथ। काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है इसके कंपैरिजन में, अगर तुम बाकी गाड़ियों से बात करोगे तो काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। विड्थ भी इसकी काफ़ी सही है, और जिस प्राइस रेंज में आई है बेस मॉडल तो मुझे बहुत वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लगी। अगर प्राइसेस की बात करूँ तो 5.49 लाख की ये बेस मॉडल आती है एक्स शोरूम, और 6.39 की आती है सेकेंड एडवेंचर मॉडल, और अकम्प्लिश आती है मतलब 90,000-80,000 का फर्क है आप एक एक मॉडल में। तो मेरे लिए तो मेरे हिसाब से जो है एडवेंचर मॉडल में जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई है उसके 90,000 मुझे वर्थ नहीं लगता है, वो आपकी अपनी ओपिनियन होगी। मैं तो बेस मॉडल की तरफ ही आपको जाने को कहूंगा, अगर आपको मिल रहा हो तो उठा लीजिए बेस मॉडल। 5.49 में आपको कुछ बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, आप काफ़ी खुश रहोगे इस गाड़ी से। ओवरऑल हर एक चीज़ में आपको खुश रखेगी, कम्फर्ट फील, गाड़ी की लुक, SUV जो लुक आती है, SUV जो आपको फील देती है गाड़ी, ओवरऑल हर चीज़ से आप खुश होगे इस गाड़ी से। तो बाकी मैं इस गाड़ी में आपको बता दूंगा, जब भी मैं इसमें काम करवाऊंगा मैं उसकी वीडियो बनवाऊंगा। मुझे बहुत कुछ काम करवाना है इस गाड़ी में, टॉप मॉडल से बढ़िया बनवानी है इस गाड़ी को, तो सारे काम करवाएंगे और उसकी जो है आपको वीडियो भी दिखाएंगे। अभी तो इसमें सिर्फ मैंने एक व्हील कैप लगवाया है जो मुझे बहुत ज़रूरी लगा लुक के हिसाब से। आप कमेंट में बताइए कि व्हील कैप कैसा लग रहा है इस गाड़ी में, मैच कर रहा है कि नहीं। बस इतना ही था इस गाड़ी की रिव्यू में। मैं तो एक आपको जो है प्रॉपर जो है एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताना चाहता था ओनरशिप का। बाकी मैंने कोई रिव्यू यूनिट नहीं उठाई, ना मैं कोई टेस्ट राइड व्हीकल को बता रहा हूँ, मैंने खुद खरीदी और मैंने उसी का एक बार रिव्यू बनाना चाहा। तो ऐसी दिखती है गाड़ी और ऐसी चलती है गाड़ी, चला के दिखाऊंगा अभी तो आपको एक दिन, लेकिन मैं खुद चला के 300 चला चुका हूं, तो उसके आपसे एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। तो आप पर्टिकुलरली ये गाड़ी जो है बेस मॉडल में उठा सकते हो अगर आपको मिल रहा हो तो। टॉप और अकम्प्लिश और क्रिएटिव में आपको वर्थ नहीं मिलेगा, एडवेंचर फिर भी आप उठा सकते हो अगर आपको बाहर से काम नहीं करवाना, तो उसमें बेसिक जो चीज़ें वो मिल जाती हैं। बाकी प्योर है उनके लिए जो बिल्कुल वर्थ चाहते हैं अपने पैसों के, तो वो यही मॉडल उठाए। ये आपको मिल जाएगी 6 लाख ऑन रोड, आपके स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, लेकिन ये गाड़ी मिलने को बहुत मुश्किल है, लेकिन मिल जाएगी आपको अगर आप ट्राई करोगे तो। तो यही है इस वीडियो में, फर्दर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी और रिव्यू कैसा लगा है। मैं इम्प्रूव करना चाहूँगा आगे भी इस वीडियो को, मेरे रिव्यूज़ को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को। और यही थी वीडियो, तो फर्दर जो भी इसके जो मॉडिफिकेशन होंगे उसकी वीडियो जल्द आएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और लगे रहे इस वीडियो में, लगे रहे चैनल के साथ। कॉन्स्टेंट मैं इसमें वीडियो डालता रहूँगा इस गाड़ी के रिगार्डिंग, रेगुलर डालता रहूँगा वीडियो।